दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Qualcomm Snapdragon 888 Plus प्रोसेसर को Qualcomm के ही Snapdragon 870 प्रोसेसर के साथ में। इनफैक्ट ये कंपैरिजन नहीं है, ऑब्वियसली हमको पता है भाई कि Snapdragon 888 Plus एक अपडेटेड प्रोसेसर है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, बेटर प्रोसेसर है, लेकिन आज की वीडियो में देखेंगे भाई कि 870 से कहां-कहां और कितना बेटर है। 870 जो चिपसेट है इंडिया में काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है और काफी ज्यादा पॉपुलर चिपसेट है, बहुत सारे फोन्स में हमको देखने के लिए मिला है, iQOO 7 के अंदर मिला है, Mi 11 X के अंदर मिला है, और भी बहुत सारे फोन्स आने वाले हैं जिनके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 870 चिपसेट मिलने वाला है, जबकि 888 प्लस जो है अभी तक हमको किसी भी फोन में देखने के लिए नहीं मिला है। आज की वीडियो में करते हैं इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखते हैं भाई 888 प्लस कितना बेटर है 870 के कंपैरिजन में। फटाफट से कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंपैरिजन को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश, प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। स्नैपड्रैगन 888 प्लस लॉन्च हुआ है 18 जून 2021 को, स्नैपड्रैगन 870 लॉन्च हुआ है 19 जनवरी 2021 को। दोनों ही प्रोसेसर 2021 में लॉन्च हुए हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन 888 प्लस एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है। सीपीयू और सीपीयू क्लॉक स्पीड की अगर बात करें तो दोनों प्रोसेसर के साथ में हमको ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर के साथ में हमको 1+3+4 की बिग डिटेल अप्रोच दी गई है। स्नैपड्रैगन 888 प्लस की बात करें तो पहला कोर यहां पर आपको मिलता है हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहां पर आपको मिलता है क्रायो 680 प्राइम सीपीयू जो कि बेस्ड होता है आर्म कॉर्टेक्स X1 के ऊपर। क्लॉक स्पीड यहां पर मिलती है 3.0 गीगाहर्ट्ज की। तीन कोर मिलते हैं लो परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहां पर आपको मिलता है क्रायो 680 गोल्ड सीपीयू जो कि बेस्ड होता है आर्म कॉर्टेक्स A78 के ऊपर। क्लॉक स्पीड यहां पर मिलती है 2.42 गीगाहर्ट्ज की। और चार कोर मिलते हैं यहां पर आपको एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहां पर आपको मिलता है क्रायो 680 सिल्वर सीपीयू जो कि बेस्ड होता है आर्म कॉर्टेक्स A55 के ऊपर। क्लॉक स्पीड यहां पर मिलती है 1.8 गीगाहर्ट्ज की। स्नैपड्रैगन 870 की अगर बात करें तो यहां पर भी पहला कोर हमको मिलता है हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहां पर हमको मिलता है क्रायो 585 प्राइम सीपीयू जो कि बेस्ड होता है आर्म कॉर्टेक्स A77 के ऊपर। क्लॉक स्पीड यहां पर आपको मिलती है 3.2 गीगाहर्ट्ज की। तीन कोर यहां पर हमको मिलते हैं लो परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहां पर हमको मिलता है क्रायो 585 गोल्ड सीपीयू जो कि बेस्ड होता है आर्म कॉर्टेक्स A77 के ऊपर। क्लॉक स्पीड मिलती है 2.4 गीगाहर्ट्ज की। और चार कोर मिलते हैं यहां पर आपको एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहां पर आपको मिलता है क्रायो 585 सिल्वर सीपीयू जो कि बेस्ड होता है आर्म कॉर्टेक्स A55 के ऊपर। क्लॉक स्पीड मिलती है 1.8 गीगाहर्ट्ज की। तो यहां पर अगर देखा जाए तो प्राइम कोर में यहां पर आपको दो जनरेशन का गैप देखने के लिए मिलता है, एंड जो गोल्ड कोर्स है वहां पर आपको एक जनरेशन का गैप दिया गया है। सीपीयू में यहां पर आपको अच्छे खासे अपग्रेड्स मिल जाते हैं। स्नैपड्रैगन 888 प्लस सीपीयू के मामले में काफी बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 888 प्लस बना हुआ है 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर, जबकि स्नैपड्रैगन 870 बना हुआ है 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर। और ये चीज आपको पता है भाई कि फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम होती है प्रोसेसर उतना बेटर परफॉर्म करता है, उतना ही कम हीट होता है, और एनर्जी एफिशिएंसी आपको उतनी ही बेटर निकाल के देता है। तो सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में भी यहां पर आपको काफी अच्छे अपग्रेड्स दिए गए हैं। CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट के ऑक्टाकोर प्रोसेसर हैं, यानी कि दोनों प्रोसेसर में आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 8-8 कोर मिलते हैं। GPU यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ में मिलता है Qualcomm Adreno 660 GPU। ये वाला जो GPU है 5 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है, हालांकि क्लॉक कितने पर किया गया है ये चीज मेंशन नहीं करी गई है। स्नैपड्रैगन 870 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक जनरेशन पुराना GPU मिलता है, Qualcomm Adreno 650 यहाँ पर GPU दिया गया है जो कि 7 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है। और ये वाला भी GPU जो क्लॉक किया गया है वो चीज़ मेंशन नहीं करी गई है, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको अच्छा खासा डिफरेंस मिल जाएगा। Adreno 650 का जो स्कोर आता है वो आता है लगभग 122 पॉइंट के आसपास, Adreno 660 का जो GPU स्कोर आता है वो आता है 131 पॉइंट के आसपास, और GPU स्कोर में 9 पॉइंट्स का डिफरेंस होना काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर GPU के मामले में भी स्नैपड्रैगन 888 प्लस में आपको काफी अच्छी अपडेट्स मिलते हैं। रैम सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों प्रोसेसर के बीच में आपको केवल एक डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। स्नैपड्रैगन 888 प्लस में आपको क्वाड चैनल रैम का सपोर्ट मिलता है, स्नैपड्रैगन 870 के साथ में आपको डुअल चैनल रैम का सपोर्ट मिलता है। बाकी दोनों प्रोसेसर के साथ में आपको LPDDR5 और LPDDR4X दोनों टाइप की रैम का सपोर्ट मिल जाता है। LPDDR5 रैम अगर यूज की जाती है तो 3200 मेगाहर्ट्ज की आपको रैम फ्रीक्वेंसी मिलती है, LPDDR4X रैम के साथ में आपको 2133 मेगाहर्ट्ज की रैम फ्रीक्वेंसी मिलती है, एंड दोनों प्रोसेसर के साथ में 16
16GB तक की रैम आपको मिल सकती है। तो रैम सपोर्ट के मामले में भी आपको ठीक ठाक से अपग्रेड मिल जाते हैं स्नैपड्रैगन 888+ के साथ में। स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों प्रोसेसर के साथ में EMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0 एंड UFS 3.1 सभी प्रकार की स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। तो स्टोरेज सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। कैमरा सपोर्ट की अगर बात करें, स्नैपड्रैगन 870 के साथ में आपको डुअल ISP मिलता है। स्नैपड्रैगन 888+ के साथ में 14 बिट का ट्रिपल ISP दिया गया है, मतलब तीन कैमरास की स्ट्रीम को यहां पर एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है। 28+28+28 मेगापिक्सल के तीन कैमरास, 64+25 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप एंड 84 मेगापिक्सल तक का सिंगल कैमरा सेटअप यहां पर आपको मिल सकता है, जहां पर आपको MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट मिलेगा एंड मैक्सिमम कैमरा साइज यहां पर आपको मिलता है 200 मेगापिक्सल का। स्नैपड्रैगन 870 की अगर बात करें तो यहां पर आपको 25+25 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप या फिर 64 मेगापिक्सल तक का सिंगल कैमरा मिल जाता है, यहां पर आपको MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट मिलता है एंड मैक्सिमम कैमरा साइज यहां पर भी आपको मिलता है 200 मेगापिक्सल का। लेकिन कैमरा सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 888+ बेटर प्रोसेसर है, क्योंकि यहां पर आपको ट्रिपल ISP दिया गया है। अब वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो दोनों प्रोसेसर के बीच में आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर के साथ में आपको मैक्सिमम 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। 4320 पिक्सल्स वाले 8K अल्ट्रा HD वीडियो 30 FPS पर, 2160 पिक्सल्स वाले 4K अल्ट्रा HD वीडियो 120 FPS पर, 1080 पिक्सल्स वाले फुल HD प्लस वीडियो 240 FPS पर एंड 720 पिक्सल्स वाले HD प्लस वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 960 FPS पर। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में कोई भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अब डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर भी आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। दोनों ही प्रोसेसर के साथ में आपको मैक्सिमम ऑन डिवाइस 4K डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है। 4K डिस्प्ले का अगर यूज किया जाता है 2160x3840 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है एंड 4K डिस्प्ले के साथ में आपको मैक्सिमम 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला पैनल मिल सकता है। लेकिन अगर QHD प्लस डिस्प्ले यूज किया जाता है, क्वाड HD प्लस डिस्प्ले, रिजोल्यूशन यहां पर आपको मिलता है 1440x3360 पिक्सल्स का, लेकिन साथ ही साथ यहां पर आपको 144Hz तक का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में दोनों प्रोसेसर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नेटवर्क मॉडेम की अगर बात करें तो दोनों प्रोसेसर के साथ में आपको 5G मॉडेम्स मिलते हैं। स्नैपड्रैगन 888+ की अगर बात करें तो यहां पर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X60 5G मॉडेम, जो कि डाउनलोड स्पीड देता है 7.5 GBPS की, अपलोड स्पीड देता है 3.0 GBPS की। स्नैपड्रैगन 870 की अगर बात करें तो यहां पर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X55 5G मॉडेम, जो कि डाउनलोड स्पीड देता है 7.5 GBPS की, अपलोड स्पीड देता है 3 GBPS की। लेकिन फिर भी नेटवर्क मॉडेम के मामले में स्नैपड्रैगन 888+ बेटर है, क्योंकि यहां पर आपको 5G करियर एग्रीगेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो नेटवर्क मॉडेम के मामले में भी हल्के फुल्के अपग्रेड्स यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 888+ के अंदर मिलते हैं। एंटूटू स्कोर्स की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 870 को मिलते हैं लगभग 6,79,860 पॉइंट। स्नैपड्रैगन 888+ का स्कोर वैसे अभी तक तो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से 7,30,000 से 7,50,000 के बीच में स्कोर निकल के आने वाला है। एंटूटू के हिसाब से स्नैपड्रैगन 888+ में आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस बूस्ट मिलने वाला है। और लास्ट में कंपेयर करते हैं Geekbench स्कोर्स को। स्नैपड्रैगन 888+ का सिंगल कोर का स्कोर आता है 1,193 पॉइंट, 870 का सिंगल कोर स्कोर आता है 1,034 पॉइंट। मल्टी कोर की अगर बात करें तो 3,744 पॉइंट मिले हैं 888+ को एंड स्नैपड्रैगन 870 को मिले हैं 3,513 पॉइंट। Geekbench के हिसाब से भी CPU में अच्छे खासे अपग्रेड्स आपको मिलते हैं स्नैपड्रैगन 888+ के साथ में। तो भाई ये था कंपैरिजन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ प्रोसेसर के साथ में, 888+ प्रोसेसर के साथ में। देखो भाई, CPU में यहां पर आपको अच्छे खासे अपग्रेड्स मिल जाते हैं। 870 में आपको A77 वाले कोर्स मिलते हैं, जबकि यहां पर 888+ के अंदर आपको X1 और A78 वाले कोर्स दिए गए हैं, तो यहां पर आपको अच्छा अपग्रेड मिल जाता है। GPU में अच्छा खासा अपग्रेड मिल जाता है, 9 पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है भाई, तो GPU परफॉर्मेंस बेटर आपको मिल जाती है। यहां पर फैब्रिकेशन प्रोसेस बेटर है 5 नैनोमीटर की, जो मॉडेम दिया गया है वो तो सेम मिलता है, लेकिन 5G करियर एग्रीगेशन आपको मिल जाता है 888+ के साथ में। काफी ज्यादा अच्छे अच्छे अपग्रेड्स यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली CPU में अच्छा अपग्रेड दिया गया है, GPU में अच्छा अपग्रेड दिया गया है
एंड मॉडेम में यहाँ पर आपको डिसेंट अपग्रेड देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल 888+ जो है वो काफी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन 870 जो है काफी टाइम से इंडिया में है, काफी सारे फोन्स में हमने देख लिया है, उसका ऑप्टिमाइजेशन धीरे धीरे और ज्यादा बेटर होता जा रहा है। और कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है भाई कि स्नैपड्रैगन 888 से बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दी है 870 ने, तो 870 भी बहुत पावरफुल है, लेकिन 888+ जो है वो नेक्स्ट लेवल प्रोसेसर है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सा प्रोसेसर प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेटर है। यहां पर थोड़ा सा कैच है भाई, प्राइस पॉइंट के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर आपको बेटर लगता है, क्योंकि 870 जो है वो कम बजट के फोन्स में आता है, 888+ जो है वो अपर बजट के फोन्स में आता है। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।